तो जिस बात का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, तो आखिर क्यों डर पसरा हुआ है सुखोई 35 को लेकर यूक्रेन के अंदर कीव में। अब इसके पहले खासियत आप जान लीजिए, ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे, कुछ ऐसा दिखता है सुखोई 35। इसकी लंबाई है 71.10 फीट की, इसकी ऊंचाई आप देखिए 19.4 फीट, वजन है इसका 25,300 किलोग्राम का, और रफ्तार आप देखिए 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा की, और रेंज कितनी है 3600 किलोमीटर की रेंज, यानी कि एक बार पूरी तरह से फ्यूल्ड होने के बाद ये 3600 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। कुछ ऐसी ताकत है, और यही वजह है कि इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुखोई 35 से पूरे यूक्रेन में खौफ पसरा हुआ है। इधर यूक्रेन रूस की जंग की वजह से न्यूक्लियर विनाश की आशंका खत्म ही नहीं हो पा रही, उल्टा इस आशंका को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और भी गहरा दिया है। दरअसल पुतिन उस मर्मंस की यात्रा पर पहुंचे हैं जिसे फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे का न्यूक्लियर खौफ माना जाता है, और दूसरी तरफ आर्कटिक में भी न्यूक्लियर हलचल बढ़ने के संकेत इसके बाद मिल रहे हैं। इसकी वजह से आशंका और बढ़ गई है कि प्रेसिडेंट पुतिन महासंग्राम की नई स्ट्रेटजी को जमीन पर उतारने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके। अब सवाल ये उठता है कि अब यह कदम किस दिशा में बढ़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोला न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर पश्चिमी रूस के लिए ऊर्जा का वो स्रोत जो अब तक नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के भी कुछ हिस्सों को रोशन करता रहा है। लेकिन यही प्लांट एक ही पल में संदेह के घेरे में आ गया। 20 जुलाई 2023 खाली हुआ क्रेमलिन नए मिशन पर पुतिन। ये उत्तर पश्चिमी रूस का मुख्य शहर मर्मंस्क है। प्रेसिडेंट पुतिन के नए मिशन का पहला पड़ाव यही शहर है। विनाशकारी जंग के भविष्य की रणनीति के लिए क्रेमलिन ने इसी ठिकाने को केंद्र बनाया है। आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर मर्मंस्क ही जगह है जिसे पुतिन ने अगले विनाशक कदम के लिए चुना है, और इस कदम को उठाने में पुतिन ने देरी भी नहीं की। वो 20 जुलाई को मॉस्को से इसी शहर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इस शहर में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए मिशन के तहत मर्मंस्क पेनिनसुला में मौजूद कोला न्यूक्लियर प्लांट की तरफ रुख कर लिया। हालांकि पुतिन का दौरा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये क्रेमलिन के प्लान में शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन अचानक कोला न्यूक्लियर प्लांट क्यों पहुंचे? क्या कोला प्लांट को जंग का न्यूक्लियर सेंटर बनाने की तैयारी है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर नया नेटो देश है? और क्या क्रेमलिन की तरफ से न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है?